नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य के अपकमिंग एपिसोड में जहां आप लोग देखेंगे कि ऋषभ को चोट लगने के बाद में, जो कि एक्सीडेंट के बाद में हॉस्पिटल में लूथरा परिवार भी पहुंच जाता है। हालांकि स्टार्टिंग में जाम मिलता है और जाम मिलने के बाद जो कि पूरा लूथरा परिवार पहुंच जाता है और सभी को पता लग जाता है कि खून जो दिया था, खून किसी और ने नहीं बल्कि अर्जुन ने दिया था। अब सभी लोग सोचते हैं कि आखिरकार अर्जुन का ऐसा क्या रिश्ता है कि जो इसका ब्लड भी मैच कर रहा है। अब प्रीता को होने जा रहा है शक कि कहीं ना कहीं ये करण हो सकता है, और पूरे ही परिवार को शक हो रहा है अर्जुन पर कि ये अगर करण हुआ तो वाकई में इसने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया। क्योंकि उधर बात की जाए तो ऋषभ की चोट के बाद में अब ऋषभ की मोम को ये तो शक हो चुका है कि आखिरकार जब ये मिलता है तो मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि जैसे ये करण है, और ये भी मेरी जैसे करण अपनी माँ को चाहता था वैसे ही ये मुझे चाहता है। दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इधर सबसे ज़्यादा चिंतित कोई नज़र आ रहा है तो वो अर्जुन और प्रीता, पूरा ही परिवार चिंतित नज़र आ रहा है। क्योंकि इस समय जो भयानक चोट लगी है ऋषभ को, बहुत ज़्यादा चोट लगी है, और चोट लगने के बाद में अब सभी लोगों का सस्पेंस पूरी तरीके से ऋषभ के ऊपर है। जब ऋषभ को पता चलेगा कि खून देने वाला कोई और नहीं है बल्कि अर्जुन ही है तो तुरंत ही वो अर्जुन से संपर्क करेगा। हालांकि बात की जाए तो अर्जुन नफरत करता है, और नफरत भी अपनी जगह जायज़ है, क्योंकि जो उसके मन में है, जो उसको बताया गया है, वो उसी तरीका से काम कर रहा है उसका माइंड। साथ ही दोस्तों, प्रीता को अब पूरी तरीका से डाउट हो चुका है कि ये कोई और नहीं है बल्कि ये अर्जुन जो है ये करण ही है। लेकिन आखिरकार ऐसे कैसे चमत्कार हो सकता है, और पंडित की बात बिल्कुल सही होने जा रही है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ गाइज कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपया करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे